नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मेसी डिक्शनरी चैनल में। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्सटेंशन है हमारे बायोलॉजिकल बैरियर टॉपिक का। तो आज का जो ये वर्ड है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसी को BBB भी कहा जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा बैरियर जो ब्लड और ब्रेन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है और कुछ भी चीजों को ब्लड से ब्रेन तक जाने में रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके ऊपर एक तिरछी निगाहें रखता है ताकि वो ये चेक करे कि क्या उसको ब्रेन तक पहुंचना है, क्या उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो ब्रेन तक पहुंचे। तो ऐसा बैरियर सिंपली कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो बैरियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो केवल और केवल ऐसे ड्रग को उस ब्लड से जिसके अंदर वो डिजोल्व हुए होंगे आफ्टर इंजेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, या डायरेक्टली आपके अगर पेरेंटल रूट से दिए गए होंगे, तो उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट ड्रग की प्रॉपर्टी अगर लिपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तभी वो ड्रग उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन में जाने के बाद अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को वो शो करेगा। ये चीज बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी ही चाहिए तभी वो इसको क्रॉस कर पाएगा। अगर आप बात करते हैं एग्जांपल की, तो जितने भी साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग हैं ये काफी हद तक लिपिड सॉल्युबल हैं और ये इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वही ब्रेन, तो ये जो ब्रेन बैरियर हैं इन्हीं को जाने देंगे और बाकी जो ड्रग ऐसे हैं जो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं उनको वहां तक यानी कि ब्रेन तक पहुंचने नहीं देंगे। सो फ्रेंड, दिस वॉज अ ब्लड ब्रेन बैरियर सिंपली नोन एज अ BBB। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।